से, आपने ये भी कह दिया कि ऋचा जी सांस ले रही है समाजवादी पार्टी की वजह से, पहली बात। दूसरी नहीं, नहीं आपने कहा सर, आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आपने अभी कहा, उन्होंने ये कहा कि क्या मैं सांस भी ले रही हूँ समाजवादी पार्टी की वजह से, तो आपने कहा कि हाँ, इसका मतलब वो सांस ले रही है समाजवादी पार्टी की वजह से। दूसरी चीज है कि 2022 में तो नहीं निकाला था पार्टी से, निकाला तो तब जब इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस के विरोध, मानस पर जो बयान थे उसकी मुखालफत की, क्यों नहीं फिर उसी समय निकाल दिया पार्टी से? ऋचा जी वही नेता है जो आज तक कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती, स्वामी प्रसाद मौर्य बेरोजगारी की बात कर रहे हैं क्या? इनको जितने स्वामी प्रसाद मौर्य बेरोजगारी की बात कर रहे हैं क्या? ऋचा जी आपकी बात हुई, ऋचा जी ये मुखरता से कभी भी सत्ता का विरोध नहीं करती है। नहीं, अरे दीपक पांडे एक मिनट दोनों की आवाज डाउन करिए। अभी आप दोनों में से किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही। ऋचा जी आपकी बात नोटिस हुई, मैं दीपक पांडे से, मेरे सवाल है दीपक जी, क्या आप लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है, 2022 में क्यों नहीं पार्टी से निकाल दिया था? अच्छा, मानस पर बात करना, बेरोजगारी पर बात करना है, मानस का अपमान कर दीजिए तो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। और एक सवाल, जो आपके नेता है शफीकुर रहमान बार, क्या आप भी मानते हैं कि कभी रामराज्य रहा ही नहीं इस देश में? कभी रामराज्य का उनके कहने का परिपेक्ष है कि आजादी के बाद से रामराज्य आप देखिए, रामराज्य की हम लोग परिकल्पना करते हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामराज्य था, उसके बाद से जब से हम लोग जी अपने आए हैं, जैसे कलयुग की जब से शुरू हुआ उसमें कौन सुनाऊं क्या दोबारा? दीपक पांडे कहिए तो सुनवा दूं, शफीकुर रहमान बर्क ने दो टूक कहा है कि कभी रामराज्य नहीं था, ना कभी है ना कभी रहेगा। अगर वो ये कहते कि रामराज्य नहीं है नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल लाइन समझी जा सकती थी, लेकिन रामराज्य नहीं था इसका मतलब समाजवादी पार्टी और शफीकुर रहमान बर्क प्रभु राम के अस्तित्व को नहीं मानते, प्रभु राम का राज ही कभी नहीं रहा। देखिए, आप लोगों को समस्या इस बात की है कि आप लोग मूल समस्या के या मूल कथन पे आप लोग जाते ही नहीं है। नहीं, मूल कथन पर जाते हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हम सीधे मूल कथन पर जाकर टिक जाते हैं। जब आप लोगों को कोई समस्या है तो समस्या के निदान के लिए जो पटल बने हैं उसके थ्रू जाइए। ऋचा जी भी नहीं जाएंगी, जो सामाजिक पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। वैसे आप हैं, आप किसी भी नेता की कोई भी बयानबाजी किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर दिखा करके दीपक जी से कहेंगे कि राम राज्य नहीं है, आप राम को नहीं मानते, हमसे ज्यादा आप राम को मानने वाले हो गए हैं, आइए देखते हैं कौन राम को ज्यादा मानता है। नहीं, सुनिए, समस्या आपकी है कि हम मूल कथन पर जाकर टिक जाते हैं, और तोड़ना मरोड़ना क्या होता है? जो उन्होंने कहा था बर्क साहब ने वो जस का तस उठाकर सुना दिया, और उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि राम राज्य नहीं था से क्या मतलब है, वो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है। राम राज्य रामचरित मानस की प्रतियां जला दी जाए। रोली मिश्रा का एक बयान हमने सुनवाया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के दफ्तर में रामचरित मानस का अपमान किया गया, सुनवाऊंगा मैं रोली थोड़ी देर में, और जुड़ जाती है तो बिल। देखिये, रोली तिवारी जी को मैं अच्छे से जानता हूं, ठीक है, रोली तिवारी जी कब से कहां से बैटिंग कर रही है मैं सब जानता हूं। देखिए, आज इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, इनको राम के नाम पे, देखिए ये लोग राम के नाम पे, अगर इनको राम के नाम पे, ठीक है आपकी बात हो गई, इनको इतनी ज्यादा आपत्ति थी तो ये लोग जब राम के नाम पे, नहीं राम के नाम से उन्हें आपत्ति नहीं है, राम के नाम से उन्हें आपत्ति है जो रामराज्य को नकार रहे हैं, राम के नाम से उन्हें आपत्ति है जो रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये बहुत तरीके से समझा करिए, ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।